सिंडिया मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फादर्स डे की। फादर्स डे पिताजी का दिन हर साल जून के तीसरे संडे को मनाया जाता है और इस साल यह 19 जून को आ रहा है। तो फादर्स डे पर क्या करना चाहिए? फादर ने आपको एक जिंदगी दी है, एक लाइफ दी है, हम भी उन्हें एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी हार्ट दें। हर साल फादर्स डे को आप अपॉइंटमेंट लीजिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर या जो भी डॉक्टर पर आप विश्वास करते हो उससे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके सारे चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट, ECG और स्पेशली हार्ट के लिए कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी, जो एक बाहर से ही टेस्ट हो जाता है जो बतलाता है कि हार्ट के कौन से एरिया को कितना ब्लड जा रहा है, कितनी ऑक्सीजन जा रही है। इस पर बेस्ड आप अपने पिताजी को एक नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी दे सकते हो। नेचुरल बाईपास शरीर के बाहर से ही हो जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई खून नहीं चढ़ाने की ज़रूरत, कोई हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो है हार्ट का जब ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसकी पंपिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करती है। ये जो है ECP या नेचुरल बाईपास, ये दोनों काम आ जाता है हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए भी, हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए भी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस साल और हर साल अपने माताजी पिताजी उनका हर साल चेकअप कराइए, उनका हार्ट टेस्ट कराइए और उनको नेचुरल बाईपास कराइए ताकि उनका दिल जो है वो यंग रहे और वो अच्छा काम करते रहे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।